बीजेपी की सरकारें हर कदम पर मनमानी पर आमादा हैं, चाहे मामला नोटबंदी के बहाने गरीबों को मौत की नींद सुलाने का हो या फिर शराब बेचने का। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार की इसी मनमानी के खिलाफ विधायक अमित जोगी गंगाजल लेकर पहुंचे विधानसभा। गर्भगृह तक पहुंचकर छिड़का गंगाजल, प्रांगण में भी छिड़का गंगाजल। अमित जोगी ने कहा, लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के अंदर बैठे सभी विधायक पुजारी की तरह होते हैं। उनका काम जनता की आराधना करना, जनता की सेवा करना है, लेकिन इसी पवित्र स्थान में खड़े होकर सरकार स्वयं शराब बेचने का जन विरोधी निर्णय लेने जा रही है। सरकार की सोच और उसके कृत्यों ने इस पवित्र स्थान को दूषित और अपवित्र कर दिया है। इसलिए शुद्धोदम स्नानम सर्पम यामी की तर्ज पर हम न सिर्फ विधानसभा प्रांगण को बल्कि सरकार की दूषित सोच पर भी ये पवित्र गंगाजल छिड़क कर प्रतीकात्मक रूप से उसे पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और सदमार्ग दिखाए। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर जोगी सहित आर के राय, सियाराम कौशिक का सदन में हंगामा। अध्यक्ष ने तीनों को निलंबित किया। विधायकों ने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर भजन गाया। रघुपत रागम राजा राम रमन को सन्मति दे भगवान। रायपुर से ब्रजनायन साहू की रिपोर्ट। अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो। बहुत अत्यंत गंभीर मामला, सरकार अध्यादेश ला रही है, उस पर शोरगुल होता है, कोई चर्चा नहीं कराई जाती है। बैकडोर से अध्यादेश को पारित करने का ये षड्यंत्र रखा जा रहा है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। कोई भी कीमत हमें देनी पड़े, हम असेंबली के निर्णय का सम्मान करते हैं, पर आज जो ये अध्यादेश चोरी छुपे शोरगुल के अंतर्गत लाने का एक कुप्रयास किया गया, षड्यंत्र किया गया, उसका हम जोर विरोध कर रहे हैं। ये गंगाजल हमने विधानसभा में छिड़का, लोगों को आपत्ति थी कि गंगाजल विधानसभा के अंदर कैसे है, लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर के अंदर हम गंगाजल नहीं ले सकते। इस तरह की बेतुकी आपत्तियां की जा रही है। गंगाजल छिड़क हम इस विधानसभा को, लोकतंत्र के मंदिर को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।